आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है क्लासरूम ओवर और उसके साथ साथ आपको जीन इंटरेक्शन के टॉपिक्स हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ही समरी और उसका जो मेन प्राइमरी कैरेक्टर क्या होता है क्लासरूम ओवर और क्या होता है जीन इंटरेक्शन उसके बारे में ही आपको आइडिया दिया जा रहा है। उसको अलग अलग चाहे वो एकेडमिक क्लासेज हो चाहे कंपिटिशन क्लासेज हो उन सभी में इस टॉपिक को बहुत बड़े पैमाने पर आपसे क्वेश्चन आपको बनता है। क्लासरूम ओवर होता क्या है, नाम से आप देख रहे हैं क्लास ओवर लगा हुआ भी है और अगर हम सीधे सीधे जेंटिस के हिसाब से बात करें तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल हैं, जितने भी जिनके पास आपको जर्म सेल पाई जाती भी हैं, जिनके पास एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने की कैपेसिटी है, उन सभी के अंतर्गत क्रॉसिंग ओवर आपको होता भी है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं और जब एक्सचेंज ऑफ जीन्स अगर होंगे तो उसकी वजह से वेरिएशन आता है और वेरिएशन होने की वजह से नई नई जातियाँ आपको डेवलप होती है। अगर उस पूरे मेथड को ले लें क्रॉसिंग ओवर में चार फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं साइनेप्सिस, टेट्राड, क्रॉसिंग ओवर और टर्मिनलाइजेशन। इस चारों के आधार पर ही क्रॉसिंग ओवर होती भी है। आप देख रहे हैं कि साइनेप्सिस का मतलब होता भी है होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। आप सबको पता होगा होमोलोगस का मतलब होता भी है जिनका भी कोई भी दो चीजें जिनका ओरिजिन सेंटर अगर सेम है उसी को ही हम आप होमोलोगस के नाम जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम एक मेल क्रोमोसोम है और दूसरा फीमेल क्रोमोसोम है, दोनों का ओरिजिन सेंटर एक ही जगह हो रहा है जिसको हम आप कहीं कहीं गोनेट के नाम से आप जानते हैं। साइनेप्सिस के बाद आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम जो आपको है ये बायवेलेंट के फॉर्म है या टेट्राइड की अवस्था में आपको आता भी है। क्यों? क्योंकि बिना टेट्राइड की अवस्था में आए कभी भी किसी भी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है। और आपको जानकारी भी होगी जो क्रॉसिंग ओवर जो आप होता भी है यह प्रोफेज फर्स्ट स्टेज जो पैकेटिंग स्टेज होती है उसके अंतर्गत यह देखा जाता भी है। और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम आप देख रहे हैं कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड शब्दों को ध्यान रखिएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जैसे एक क्रोमोसोम के इस पार्ट के लिए यह क्रोमेटिड जो है वह सिस्टर है लेकिन इसके लिए ये जो आपको है वह नॉन सिस्टर है। तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का होना आपको जरूरी है। आप यहाँ देख रहे हैं जब आप नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं और यह डिपेंड करेगा कौन सा जीन कौन कैसे कैसे आपको वर्क कर रहा है और कैसे जा रहा है। अब इसी को समझाने के लिए आपको जीन इंटरेक्शन के एक अलग कॉन्सेप्ट को आपके सामने दिया गया है। यह एक क्रोमोसोम मान लीजिए, इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है और इसके ऊपर आपको जीन देख रहे हैं अलग अलग तरीके से आपको अटैच कराए गए हैं। एक जीन के बीच की कितनी अधिक और कितनी कम दूरी होती है उसके आधार पर लिंकेज या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। अगर दोनों की दूरी दो अलग अलग जीन की दूरी काफी अगर डिस्टेंस ज्यादा है ये लिंकेज वीक होगा, अगर दोनों के बीच की दूरी काफी कम है ये लिंकेज काफी स्ट्रांग आपको होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी क्रोमोसोम की वो जगह जहाँ पर जीन पाया जाता है उस जगह को हम यह लोकस के नाम से आप जानते भी हैं। आपको पता भी है जो जीन्स होता है उसको हम यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाम से आप जानते भी हैं। इसी को समझाने के लिए हमने आपको एक अलग स्ट्रक्चर लिया हुआ यहाँ पर है जहाँ पर जीन इंट्रैक्शन या जिसको हम एलिक और नॉन एलिक इंट्रैक्शन के नाम से इंडिकेट करते हैं। आप सबको पता है होना चाहिए एलिक का मतलब होता है कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर और जो तुलना होती है हमेशा अपनों के बीच में होती है जैसे शेप का शेप में कलर का अगर कंपेयर किया जा रहा है उसी को ही हम या आप एलिक के नाम से आप जानते हैं। लेकिन कहीं अगर मान लीजिए कलर का शेप में अगर कंपेयर किया जाए उसको हम या नॉन एलिक के नाम से आप जानते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यह कैपिटल जो ए है ये हमने मान लिया एक पर्टिकुलर डोमिनेंट जीन है और इसी कंट्रास्ट आप देख रहे हैं कि स्मॉल ए है, इसलिए आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे की तुलना में एलिक इंट्रैक्शन को शो कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कैपिटल ए और कैपिटल जो बी है वो दो अलग अलग जीन्स हैं जिसको हम आप नॉन एलिक के नाम से आप जानते हैं। वहीं पर आप देखिए कैपिटल बी और स्मॉल ए ये भी नॉन एलिक की पूरी कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कभी भी जेनेटिक्स में जो डोमिनेंट कैरेक्टर आपको होता है उसको कैपिटल शो करते हैं और जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल से शो किया जाता है। हमने यहाँ मान लिया ए बी सी तीन अलग अलग जीन्स हैं और उसके हिसाब से ये तीनों देख रहे हैं डोमिनेंट है और तीन आप देख रहे हैं रिसेसिव है। अगर मान लीजिए एलिक इंफेक्शन में हम ले लें बार बार बोल रहे हैं एलिक इंफेक्शन का मतलब होता है कि कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर सेम जीन के केस में भी हो उसमें कुछ कॉमन नाम जिसमें देख रहे हैं लेथल जीन, मल्टीपल एलील, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस एग्जाम्पल आते हैं।
वहीं पर नॉन हेल्दी आप देख रहे हैं उसमें एपिस्टेसिस है, सप्लीमेंट्री है और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये कुछ कॉमन एग्जांपल आपको नॉन हेल्दी के केस में आप पाते हैं। इनकी सबकी मीनिंग क्या होती है वो समझ लीजिए आप। लेटर का मतलब है डेथ। कोई भी ऐसा जीन जब आपकी बॉडी के केस में वो आए और वो डोमिनेंसी के हिसाब से कैरेक्टर को किल कर दे, उसको हम यार लेटर जीन के नाम से जानते हैं। ह्यूमन बीइंग में लेटर जीन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो सिकल सेल एनीमिया भी आता है और थैलेसेमिया के केस में भी आपको देखा जाता भी है। अगर हम मल्टीपल एलील, मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन टू, एलील का मतलब होता है कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, अगर कह सकते हैं कि एक भी जीन अगर एक से अधिक कैरेक्टर को शो करने लगे उसको हम यार मल्टीपल एलील के नाम जानते हैं, जिसमें रैबिट में जो स्किन का जो कोट कलर होता हुआ और जो ह्यूमन में जो एबीयू ब्लड ग्रुप होता हुआ, ये दोनों इसके अंतर्गत एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। यहां देख रहे हैं इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिसेसिव कैरेक्टर है जब उन दोनों के बीच में क्रॉस होता भी है तो मैक्सिमम जो कैरेक्टर होते हैं वो डोमिनेंस के आए और कुछ कैरेक्टर जो होते भी है वो रिसेसिव के आए। इसका अगर एग्जांपल आप देखेंगे इनकंप्लीट में जब आपको रेड कलर और व्हाइट कलर में जो कैरेक्टर में क्रॉस कराया जाता भी है तो यपन पीढ़ी में पिंक कलर आपको आता है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी केस में आपको देखा जाता भी है। वहीं पर अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें, कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल ब्लड ग्रुप में ए बी जो आपको होता है वो आपको कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, क्योंकि इसके तो माना जाता है कि एक नई वैरायटी आती है और कोडोमिनेंस को कहीं कहीं हम या मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते भी हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम या सेलुलर इनहेरिटेंस के नाम जानते हैं। अगर कभी भी किसी लिविंग बीइंग में अगर मॉर्फोलॉजी में शेप साइज कलर नंबर स्ट्रक्चर अगर चेंज करना है उसके लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल लिया जाता भी है, और कभी कोई नई वैरायटी लानी हो, नए कैरेक्टर बनाना हो उसके लिए कोडोमिनेंस के एग्जांपल आपको आते भी हैं। वहीं पर अगर आप नॉन एलीलिक की कंडीशन आप देख लीजिए, यहां देखा एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस मतलब होता है कैरेक्टर को इनहिबिट कर देना, छुपा देना, जिसकी वजह से जब जो जीन्स होंगे जब पेयर में आप आते भी हैं तो उनकी वजह से जो दूसरा कैरेक्टर जो होता है जो डोमिनेंट होता है वो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता है, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम यार एपिस्टेसिस के नाम से आप जानते हैं। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन, उसको कई बार कंप्लीशन फील्ड में पूछा गया है, इसका रेशियो 9:7 केस में होता है। इसका जो एग्जांपल लिया गया था कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक, और कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहते हो तो आप डीएनए की जो दो स्ट्रैंड होती है वो दोनों एक दूसरे के पूरक होती है, उस हिसाब समझेंगे आराम से आप इसको समझ लेंगे। आप इसमें आप देखते भी हैं इसमें जो एग्जांपल जो दिया गया है वो स्वीट पी का लिया गया है, उसके अंतर्गत अगर आप देख रहे हैं वाइट फ्लावर जिनके एलील्स और जीन्स आपके सामने दिया गया है, आप देख रहे हैं एक तरफ डोमिनेंट है रिसेसिव है, एक तरफ रिसेसिव और डोमिनेंट है, और जब गैमेट लिया गया और यफन पीढ़ी आई कैरेक्टर हो गया पर्पल, और जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा यफन जनरेशन के लिए तो आपके सामने मिलेंगे आपको 9 ऐसे रेशियो होंगे जहां पर्पल कलर होंगे और 7 ऐसे रेशियो होंगे जहां पर वाइट फ्लावर की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाएगी, जो कहीं कहीं कंप्लीमेंट्री जीन के एग्जांपल को फॉलो करते हैं। वहीं पर सप्लीमेंट्री जीन का मतलब सप्लाई हो जाना, फ्लो हो जाना, किसी के साथ चला जाना, उसके केस में जो रेशियो आता है वो 9:3:4 केस में आता है, और जो इसमें जो एग्जांपल जो दिया गया था वो अगोटी कलर एल्बिनो और उसके हिसाब से ब्लैक की पूरी प्रॉपर्टी आपके सामने है। इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्राइमरी जो कह सकते हैं फंडामेंटल जो टूल्स हैं क्लासरूम ओवर क्या होता है, जीन इंटरेक्शन क्या होता है, उसको एज समरी के फॉर्म में बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को अलग से एक्सप्लेन करके आपके सामने आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा।